चलिए दोनों हाथ जोड़े, मेरुदंड को सीधा कर ले, गर्दन सीधी कर ले, अपने हथेलियों को, दोनों हथेलियों को जोड़ दे। कोशिश करें कि अंगूठों से आप अपने हृदय से जुड़ जाएं और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले। आप जब हम आंखें बंद करते हैं, जो हमारा मन बिखरा पड़ा है, उसे समेट कर इस वर्तमान क्षण में जोड़ने का एक सबसे आसान तरीका है सांसों पर ध्यान लेना। मोमेंट यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू बिगिन कनेक्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट। टेक योर अवेयरनेस कंप्लीटली टू द प्रेजेंट मोमेंट। वेयर आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो? आपके कानों में क्या आवाज आ रही है? इस तरह से ध्यान लेते हुए फिर से सांसों से जुड़े हर आती हुई सांस के साथ अपनी मन की गहराइयों से जुड़े, हर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को शांत होता हुआ पाए। शरीर को तो आपने एक आसन में बांध लिया है, जुबान को भी बंद कर लिया है। अब ये जो भटकता हुआ मन है, उसे शांत करना है। शांत, शांत, शांत। अंतर मन की गहराइयों से अब हम परमात्मा से जुड़े, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च वाइब्रेशन से जुड़े श्री नवकार मंत्र के स्मरण द्वारा। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, एसो पंच नमुकारो, सवपावाप्रणासनो, मंगलाणं च सवेसिम, ब्रह्मम् हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सर्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वे सिम, ब्रह्मम् हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सर्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वे सिम, ब्रह्मम् हवै मंगलम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांच परमेष्ठी परमात्मा की एनर्जी का, ऊर्जाओं का आवाहन करें। बस आपको मन से ऐसा संकल्प करना है, ऐसा इंटेंशन क्रिएट करना है कि मैं इन पंच परमेष्ठी परमात्मा की एनर्जी से, ऊर्जाओं से जुड़ना चाहता हूं। इस विहरमान तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जाओं का आवाहन करें, महाविदेह क्षेत्र में इस वक्त विचरते हुए अयंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी की ऊर्जाओं का आवाहन करें।
उत्तमोत्तम ऊर्जाओं से जुड़ जाए और संकल्प करे शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं, हम ये सेशन कर रहे हैं। संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे आंखें खोले। Hi Manisha Shah, welcome each one of you to this beautiful zone of Viraj 2 Oasis. इसमें हम भाव धर्म नो मूल इस सेक्शन पे काम कर रहे हैं और इस बार का हमारा टॉपिक है सर्व पाव प्रणासन। सर्व पाव प्रणासन हमें अगर हम जहां हैं वहां से मुक्ति में पहुंचना है, मुक्ति के रास्ते पर चलना है, क्या करना है? सर्व पाव प्रणासन, हर पाप से विरक्ति करनी है, लौटना है वापस और हमें अपने मूल स्वभाव में स्थापित होना है, अपने आप को अपने मूल स्वभाव से जोड़ना है, बस यही करना है। हाँ, सुनने के लिए कितना सिंपल है। आई होप निधि इज हियर, शी हैड पुट पोस्टेड सम क्वेश्चंस ऑन द वॉल। Nidhi, if you are here, please just raise your hand. I hope aapka video on hai. Okay. So Nidhi, yeah, okay. Nidhi is here. So good. I'm not able to see you. Aapka phone kisi aur naam se aapne login kiya hai kya? Nidhi naam. हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रही। ओके, या आई गेट इट, योर वीडियो इज नॉट ऑन। आई सी योर ब्यूटीफुल फेस, इट्स ओके। आसपास जो भी है, आप जहां भी हैं, अपना चेहरा अगर दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है। सो निधि, उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से कही है, मतलब कॉल पे डाला है, इट्स इजियर सेड देन डन। डेफिनेटली इजियर सेड देन डन। इट्स ओके निधि, कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं। जब तक आप प्रेजेंट हो और आप सुन रहे हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रही हूँ इस सेशन का, कि इट इज इजियर सेड देन डन। यस, सो ट्रू। हमने अपने बच्चों को बचपन से यही सिखाया है, भाई अपना ध्यान रखो, इतनी इजीली किसी पे विश्वास मत करो, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। यस, आई एग्री कम्प्लीटली। और बाकी आपने कहा है, मान तो रहे हैं, मन तो मान रहा है जो आधार पापसाना की आपने बात की और ये सब, लेकिन ये रास्ता चले कैसे? हाउ डू वी डू दिस? यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, हाउ डू वी डू दिस। बिकॉज कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है, डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे सेवा पूजा कर रहे हैं, आप कोई प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आप कोई सामायिक कर रहे हैं, आप जो कोई भी क्रिया कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तब जब कर रहे हैं, आप नौकर वाली का स्मरण करते हैं, डेफिनेटली हर चीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है आपके अवस्थानों को से लौटने में। लेकिन होता क्या है, जैसे नौकार मंत्र के बारे में आज पूछा गया था, जिसको मैंने जवाब दिया है, ऑडियोस भेजे हैं मैंने वॉल पे, कि नौकार मंत्र, ग्रेटिट्यूड कैन रिप्लेस नौकार मंत्र? डेफिनेटली नॉट। नौकार मंत्र बहुत उच्च लेवल के वाइब्रेशन से हमें जोड़ता है। मैंने बहुत डिटेल में जवाब दिया है तो उसे मैं बहुत ज्यादा यहाँ नहीं छेड़ूंगी। तो जब हम करते हैं, ये सारी चीजें पापस्थानकों से लौटने में हमें मदद करती है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको समझ में आएगी बातें कि मैं जो कहना चाहती हूँ। अगर आप बहुत गुस्से में हैं और आप नौकार वाली लेकर बैठते हैं और ओम नमो ओरियतारम, ओम नमो सिद्धारम, आप नौकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है आपका और तुरंत बैठ जाते हैं और नौकार वाली का जाप लेकर बैठ जाते हैं,
वो जो माला घूमती रहती है यहाँ पर, शायद नौकर भी अंदर चलता है, लेकिन आपका मन जुड़ा किससे है? नौकर के वाइब्रेशन से, या वो जो घटना घटी उससे, जो घटना घटी हम उसी में लोट पलोट लगा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ऐसी हम मूर्खामी करते हैं कि जो हो गई उस घटना को अल्टर करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमको लग रहा है हमें ये नहीं ये कहना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था। जब आपका मन वहीं पे लोट पलोट लगा रहा है, आप किस फ्रीक्वेंसी से जुड़ोगे? कैसे होगा, उस पापस स्थानक से आप लौटोगे कैसे? अभिमान में आ गए हैं, राग द्वेष हो रहा है, क्रोध हो रहा है, माया मूर्छावाद हो रहा है, परिवाद हो रहा है, अव्याख्यान हो रहा है, मल्टीपल मल्टीपल पापस स्थानक एक ही घटना में इतने सारे हो रहे हैं, तो आप कैसे लौटोगे उससे? तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू टेम दिस माइंड। इस मन को आप, इस मन के घोड़े पर लगाम लगानी होगी आपको, और उसके लिए आपको भीतर जाना होगा, उस मन पे आपको आधिपत्य करना होगा। और ये एक दिन दो दिन में होने वाली बात है नहीं, एक जन्म दो जन्म में भी होने वाली बात नहीं है। इसीलिए हर एक तीर्थंकर परमात्मा की अगर आप हिस्ट्री देखते हो, तो उनको जब से संकीति प्राप्ति हुई, यानी वो राइट फेथ में आए और उनको उनका परसेप्शन राइट हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तब से उनकी यात्रा शुरू हुई मोक्ष मार्ग की। अनेक जन्म लगे, हर परमात्मा के बहुत सारे भवों का वर्णन आता है, पार्श्वनाथ भगवान के 9 भवों का वर्णन आता है, और महावीर स्वामी भगवान के 27 भवों का वर्णन आता है। मतलब हर भव में उन्होंने ये यात्रा कंटिन्यू की, कंटिन्यू करते गए और इसको अचीव किया। तो और फिर ये सुनकर हमें डर नहीं जाना है, और ये नहीं सोचना है ओ माय गॉड इट्स अ वेरी लॉन्ग अफेयर एंड इट्स नॉट माय पीस ऑफ केक, नहीं करना है। जो भैया कर रहे हैं वो ही ठीक ठाक है, बस उतना सा कर लो। आज किसी से बात हो रही थी, किसी से क्या, मेरे हस्बैंड से ही बात हो रही थी, तो ही वॉज टेलिंग कि जैन धर्म में ये देखा गया है, जैन लोगों में, कि एक नशा सा हो जाता है माइंड में कि उत्तम धर्म मिला, अरिहंत का शरणा मिला, ये सब कुछ मिला है हमें, हम सेवा पूजा करते हैं, हम सामायिक करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, बस उत्तम है वो, उससे ऊपर सोच ही नहीं जा रही है, नव तत्व को समझने की कोशिश ही नहीं हो रही है, क्योंकि कंपैरेटिवली हम बहुत उत्तम कुछ कर रहे हैं। कंपैरिजन अपने परसेप्शन से करते हैं, कंपैरिजन किसी और धर्म से बताया ही नहीं गया कभी। और जैन, महावीर ने तो जैन नाम भी नहीं दिया था। ये जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं, कभी कभी ये देखने को मिलता है अतिशयोक्ति में, हम दिगंबर हैं, हम श्वेतांबर हैं, फिर उसमें भी और हम स्थानकवासी हैं, फिर और डिविजन्स डिविजन्स, हम अचल गज को मानते हैं, फिर तो उसके बाद और अगर कैटेगरी में आए, हम इस मारा साहब को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम रामसूरी वाले, हम देवीसूरी वाले, और फिर एक कहते हैं हम तो श्रीमद राजचंद्र को मानते हैं। महावीर तो कहाँ खो गए, गॉड ओनली नोज, तो कहाँ खो गए महावीर, कहाँ खो गए पता ही नहीं। महावीर ने कभी ये कहा ही नहीं था, अरे मेरे महावीर तो ऐसे हैं कि ब्रेनों की तो क्या बात करें, किसी और धर्म की तो क्या बात करें, मेरे महावीर तो ऐसे चोर लुटारों को भी तारने चले गए, अरे मेरे महावीर तो तिर्यंच को तारने चले गए, कौशिक नाग को तारने चले गए। कहाँ है डिवीजन माइंड में? ह्यूमंस एंड एनिमल्स में के भी डिवीजन नहीं है उनके मन में, और उस महावीर को मानने वाले हम क्या गुमान में चलते हैं? तो इज अ लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट, लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कंटेम्पलेट विद इन वेयर हैव बी लॉस्ट द पाथ। तो अब इसको कैसे करें, ये सवाल जो आपका, तो निधि जी डेफिनेटली इट्स अ पाथ एंड वी नीड रेगुलर गाइडेंस, एंड गाइडेंस
I keep doing these workshops. Of course, I do it in the universal way, but it is very, very related to what we are talking. तो ये वर्कशॉप्स कर सकते हैं. यहाँ मैं अपने वर्कशॉप की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, माइंड यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई एम, ऑफ कोर्स आई एम कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑन, आई एम गिविंग गाइडेंस हाउ वी कैन वर्क ऑन नवतत्व, लेकिन यूनिवर्सल वे में बात होती है. वहां पे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन समझ यही दी जा रही है कि भाई आपको अगर अपना जीवन अच्छा करना है आपको भीतर काम करना होगा. देखिए, इस चीज की शायद शुरुआत मेरे मन में कहां से हुई होगी, बहुत जन्मों की साधना होगी जब जाके ये सारी चीजें, इन चीजों से मैं कनेक्ट हुई. लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये जो रास्ता मैंने खुद ने चलना शुरू किया 14 साल पहले, इनफैक्ट 16 साल पहले, कहां से शुरुआत हुई होगी जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता रही हूं आपको. मुझे लगा कि मैं संसारी घर में रहती हूं, मैं आज क्या चारित्र नहीं पाऊंगी, मैं आज क्या दीक्षा लेकर निकल नहीं जाऊंगी सर्ववृत्ति में, तो क्या मुझे मोक्ष का अधिकारी नहीं है, क्या मैं धर्म कर नहीं सकती, मैं मोक्ष मार्ग पे चल नहीं सकती, क्या आश्रम संवर मैं नहीं कर सकती. ऐसे क्वेश्चंस मेरे भीतर आए होंगे जाके 25 साल 26 साल पहले मैंने ये विपश्यना का एक शिविर किया था, जहां पे मुझे ये नव तत्व पूरी तरह से समझ में आए. हालांकि वहां नव तत्व की बात नहीं होती, वहां तो कोई बात ही नहीं होती कोई फिलोसॉफिकल, वहां एक यूनिवर्सल पाथ दिखाया जाता है कि भाई आप अपने आप को जानो, अपने भीतर जाओ, कैसे जाओगे और कैसे. तो वो मैंने जब किया तो बहुत सारी परतें भीतर से खुली, और 15-16 साल पहले मैंने ये रास्ता मतलब टेक्निक्स के तौर पे अपने आप पे अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि ये भीतर से एक क्वेस्ट था कि मैं भटक जाऊंगी क्या, मैं संसार में हूं तो मैं मोक्ष मार्ग पे चल ही नहीं पाऊंगी, अगले जन्म में मेरा क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा. रात को उठ जाती थी मैं ये सवाल लेके सोती थी, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां जाऊंगी, क्योंकि बात तो समझ में आने ही लगी थी कि ये संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो सब नित्य नहीं है, टाइम बीइंग है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. तो ये सवाल भीतर से बहुत आते थे और रात में डर के उठ जाती थी, थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं कहां हूं. आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट टू दिस बॉडी, दिस बीइंग by name Manisha, this house, this relationship next to me, was not able to connect for so long. And I just understood that it has started setting a fear in me. And I realized that dharma cannot be fear. It cannot be fear-driven. Dharma kabhi fear-driven nahi ho sakta. To wo dharma nahi hai, kuch aur hai. Wo kabhi greed-driven nahi ho sakta. हम इसलिए धर्म नहीं कर सकते कि अगले जन्म में हमको देवलोक मिल जाएगा या अच्छा कोई और मनुष्य जन्म मिल जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी मटेरियलिस्टिकली, या हम इसलिए धर्म नहीं कर सकते कि हम डरे हुए हैं कि भाई अगले जन्म में मैं नरक में ना पहुंच जाऊं, मैं तिरेंज में ना चला जाऊं, मैं गधा हाथी घोड़ा फिश स्नेक 84 लाख है गिनवा नहीं सकती, मैं कहां नहीं पहुंच जाऊं. धर्म इन दोनों एंगल्स से नहीं हो सकता. धर्म हो सकता है सिर्फ प्यार से. प्यार से, प्यार किसकी तरफ, सच्ची धर्म की तरफ, धर्म के रास्ते की तरफ, धर्म का रास्ता रखने वाले इंसान की तरफ. प्यार तो महावीर से बेशुमार हमेशा से था, हमेशा से था. आई फॉलो महावीर नॉट बिकॉज टेक हिम एज अ गुरु एंड ओ माय गॉड ऐसे एक भगवान है और उनकी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नॉट लाइक दैट. ही ऑलवेज फैसिनेटेड मी, ही वाज माय हीरो ऑलवेज राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बिकॉज उनकी जो स्टोरीज सुनी मैंने बचपन से, ऐसा लगता था कि क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊं. एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि एक स्टोरी आती है कि महावीर स्वामी भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं
और एक शेपर्ड आता है वहां पे, अपनी गायों को चराने वाला गोवा लगता है, और गायों को वहां चरा रहा है, और उसको कुछ काम याद आता है। तो वो बोलता है कि ये साधु यहाँ खड़ा है, तो उसको बोलता है कि देख मेरी गायों का ध्यान रखना, मैं जरा ये काम निपटा के आ रहा हूं, देखना कि मेरी गाय कहाँ है, यहाँ वहां चली ना जाए। और वो चला जाता है। महावीर तो अपने ध्यान में लीन, एक्चुअली कायोत्सर्ग सर में, डीप कायोत्सर्ग सर में, और शायद रियुसर्ग में, मतलब काया छोड़ दी थी उन्होंने, वो काया में थे ही नहीं, तो उन्होंने सुना ही नहीं इन्होंने क्या कहा, और ये चला गया। थोड़ी देर के बाद आया तो देखा उसकी कोई गाय मिली नहीं, सब चली गई थी यहाँ वहां। इसको बहुत गुस्सा आया, बहरा है क्या, मैं बोल के गया था तुझे, तूने ध्यान नहीं रखा मेरी गायों का। वो उसको गुस्सा आता है और बड़े बड़े खिल्ले लाता है, नेल्स, बिग वंस, और महावीर स्वामी भगवान के कानों में ठोक देता है, नेल्स ठोक देता है दोनों का, और वो फिर भी अटल अविचल ऐसे अपने ध्यान में। थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला जाता है अपनी गायों को ढूंढते हुए। कोई एक और इंसान आता है, देखता है महावीर स्वामी भगवान को, उसको पता था कि ये कोई जैन मुनि है जो तपस्या कर रहे हैं, तो हमेशा वो आता था और उनके दर्शन करके जाता था। उसको लगता है आज इनके चेहरे पर, इस मुनि के चेहरे पर कुछ तो अजीब है, दिखता है तो यहाँ पे उसको शिकन दिखती, इनके चेहरे पे शिकन कैसे। करीब से जाकर देखता है तो देखता है इतने बड़े बड़े किले यहाँ टूटे हुए। ओ माय गॉड, बात समझ में आती है उसको कि किसी ने तो ये उपसर्ग किया है। आता है और किसी को ले आता है वो निकालने के लिए लोहार को, और जब वो किले निकाले जाते हैं, ठोके गए तब शरीर में ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर में आए और शरीर में रहे तपस्वी। क्यों रहे? क्योंकि इस पीड़ा से गुजरना था। क्यों गुजरना था? क्योंकि उनको पता था कि इस ये कौन से कर्म का फल, अगले किसी जन्म में वो राजा थे और बहुत एरोगेंट राजा थे, और एरोगेंसी के कारण कोई जब भी वो कहीं से गुजरे हर एक को खड़े होकर उनको सलाम ठोकना है, ऐसे एरोगेंट राजा थे वो महावीर स्वामी भगवान का सोल। तो एक बार कोई दरवान वहां बैठा था, वो बैठा बेचारा बैठे बैठे सो गए, बीमार था या वॉट एवर, और ये राजा वहां से गुजरे और इसको पता नहीं चला, वो उठा नहीं सलाम ठोकने के लिए। तो इतना गुस्सा आया उस किंग को कि मैं गुजर रहा हूं और मुझे सलाम ठोकने के लिए उठा नहीं, इतनी जरूरत क्या करवाया, क्योंकि किंग था, ही हैड अथॉरिटी। इस दरवान के कान में गरम लिक्विड ग्लास को एकदम गरम गरम शीशु अंदर डलवा दिया दोनों कानों में। उस कर्म का फल दोनों कानों में खिल्ले ठोके गए, और ये जब आता है निकलवाता है, शरीर में थे, इतनी पीड़ा हुई कि मुंह से एक क्या बोलते हैं उसको, शाउट निकल गई, ही जस्ट हैड स्क्रीम स्क्रीम, चीज निकल गई सामने के पहाड़ पर, पहाड़ के ऊपर पत्थर का पहाड़ था उस पे क्रैक आ गई, ऐसी आवाज निकली उनके अंदर से, इतनी शक्ति थी उनके अंदर, फिर भी कानों में खिल्ले ठोकने दिए। तो ये ऐसी स्टोरीज, अभी ये तो एक है, ऐसी कितनी है महावीर स्वामी भगवान की, कितनी स्टोरीज है, और वो सब सुनती थी जब, तो ऐसे लगता था तो मेरे अंदर ऐसी कोई ताकत कभी आ सकती है क्या। और जब क्रियाएं कर रही थी तो ऐसी कोई ताकत भीतर एक्सपीरियंस नहीं की, ऐसी ताकत तो बहुत देर है अभी, बट उसका जस्ट जस्ट सैंपल। लेकिन जब मैंने ध्यान साधना सीखी और ध्यान में उतरना शुरू किया तो काया का उत्सर्ग होने लगा, एक्सपीरियंस आने लगा, और 1 घंटे ऐसे बैठे मेडिटेशन में और इतने सारे मच्छर हाथ पे बैठे, पता नहीं लगता है, और जब आंखें खुलती है तब जाके वो मच्छर जो काटते हैं उसका
एहसास होने लगा और पता लगा इतने सारे मच्छरों ने बाइट किया. ओ दैट वाज द बिगिनिंग. समझ में आ गई बात. यही रास्ता है. आज अगर इतनी छोटी प्रैक्टिस में मच्छर अगर मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो यही प्रैक्टिस अगर डीपन 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 होती जाएगी तो बहुत सारी पीड़ाओं से हम ऊपर उठ पाएंगे. एंड दैट वॉज द रीजन आई स्टार्टेड गेटिंग इन टू दिस मेडिटेशन. तो देखिए निधि जी, ये एक रास्ता है, आपको धीरे धीरे चलना है और चलते जाएंगे आप रियलाइज करते जाएंगे. आप रियलाइज करोगे तो आप अपने बच्चों को भी कुछ अलग ही सिखाना शुरू करोगे, अलग ही चीज सिखाना शुरू करोगे. माफी देना, विश्वास करना, ट्रस्ट करना, प्यार करना, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस आपके भीतर जैसे उतरने लगेगा आप उनको भी सिखाने लगेंगे. आई थिंक पूरे चैट के सारे जवाब दिए हैं मैंने. एक चीज थी सिर्फ, हीरल वखारिया ने पूछी कैसे पता चले कि हम विपश्यना करने लायक हैं कि नहीं. बस ये सवाल आया ना अंदर, वही आपकी लायकात दर्शाता है. मन से अंदर आई ना बात कि क्या मैं इसके लायक. मैं आपको क्यों बोल रही हूँ पता है, बहुत छोटी थी और मतलब मैं हमेशा पाठशाला में जाया करती थी. तो एक दिन है ना, हमारे जो सर थे उन्होंने बोला, वो बता रहे थे हमको कि जो समकिति प्राप्त कर लेता है ना उसके जन्म लिमिटेड हो जाते हैं. मतलब वो तय हो जाता है ये इतने जन्म के अंदर उसका मोक्ष हो जाएगा. वो जो भव भ्रमण चालू ही रहता है और वो लूप रहती है ना, वो लूप खुल जाती है और तय हो जाता है कि मैक्सिमम इतने जन्म, इससे ज्यादा जन्म नहीं लेंगे. तो वो अंदर आ जाता है उसके अंदर. मैंने उनको पूछा अगर मुझे पता करना है कि मैं समकीति हूं कि नहीं तो कैसे पता चले उसके, उसका वो हमको समझ में कैसे आए. बोले ये सवाल उठता है ना वही दर्शाता है कि आप समकीति के बहुत करीब. ऐसा मुझे बताया गया, बहुत छोटी थी. और मैं ऐसा नहीं दावा कर रही हूं कि मैं समकीति प्राप्ति कर चुकी हूं, मुझे ऐसा बताया गया कि अगर ऐसे सवाल उठते हैं अंदर ना, समझ लेना चाहिए कि आप मोक्ष के करीब जाना शुरू कर दिया आप. और वही जवाब मैं आपको दे रही हूँ हीरल जी, शायद ये सवाल ही आपका जवाब है, शायद वो लायकात अंदर से आ गई. इसमें कोई ये है ही नहीं. देखिए आपको मन किया और आप गए, कोशिश तो की साधना करने की, साधना कैसी हुई वो बाद की बात, करने की शुरुआत तो करें. That is the answer for your question. So, sum up. 18 पापस्थानक का जो हमने ये टॉपिक छेड़ा था, 100 बात की एक बात ये है कि आश्रम संवर निर्जरा बंद, ये चार कभी नहीं भूलना, यही मोक्ष मार्ग है. और संवर और निर्जरा का प्रोसेस अंदर शुरू हो जाना चाहिए और वो अंदर ही होगा, वो बाहर नहीं हो सकता. बाहर के जो आलंबन है वो हमें अंदर प्रबल बनने के, शक्तिशाली बनने के लिए मदद करते. बाहर के आलंबन छोड़ने नहीं है. आज की तारीख में मंदिर जाती हूँ, रोज सुबह जाती हूँ, मन करता है जाती हूँ. ऐसा नहीं आप मंदिर जाना बंद कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कोई व्रत आदि कर रहे हैं तो बंद कर दे, आप यात्राएं करना बंद कर दे, जब तप आदि बंद कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही. लेकिन दैट इज नॉट इनफ. इन दिस ह्यूमन लाइफ, सच अ प्रेशियस ह्यूमन लाइफ, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट इज नॉट इनफ. यू हैव टू डू समथिंग मोर. व्हाट मोर इज बीन एक्सप्लोरिंग योर इनर वर्ल्ड. गो इनसाइड. भले आप नेगेटिव इमोशन में राज रहे, क्रोध हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मैं इस वक्त क्रोध कर रहा हूं. ये जानकारी होगी ना, ये बहुत बड़ा पड़ाव है. क्योंकि अब तक तो इतने अज्ञानता के अंधेरे में थे कि गुस्सा कर रहे हैं,
टेंशन कर रहे हैं, वरीज कर रहे हैं, डर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, वी आर नॉट बॉदर, वी डोंट इवन नो, वी आर नॉट इवन अवेयर. नाउ अवेयरनेस हैज टू बी देयर. इवन इफ यू आर शाउटिंग, यू शुड नो आई एम शाउटिंग. व्हाट हैपेंस, यू नो, आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस. अर्लियर व्हेन आई वाज शाउटिंग, आफ्टर सम टाइम आई यूज्ड टू जस्टिफाई माय शाउट्स. I used to feel inside, I used to try and form some arguments to justify why I shouted, why I did this. And I wanted to prove myself right. And now what is the difference, you know? When I shout, I am aware. And then I don't justify. I contemplate and introspect and I tell myself, Manisha Galati. Manisha Galati. ये गलत, बहुत बड़ा शिफ्ट है. सच कह रहे हैं, भीतर से ये कषाय बहुत लाइट होने लगते हैं, इनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है. यही करना है हमें. पहले दिन में 10 बार गुस्सा आता था, अब 8 बार है. अचीवमेंट है. पहले गुस्सा आता था, 1 महीने तक रहता था, अब गुस्सा आता है 1 घंटे के अंदर अंदर इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, भीतर से माफी मांग लेते हैं जिनसे भी किया है और वापस लौट आते हैं. बहुत बड़ा काम होता है ये. एक्चुअल प्रतिक्रमण है क्योंकि आपने अपने स्वभाव से अतिक्रमण किया. शांत स्वरूपी आप हो. ये बहुत सारी हमारी क्रिया है ना, उनकी बिगिनिंग में ऐसे दोहे बोले गए और आपको बताया गया कि आपको एक्चुअली ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या करना है. घन कलश भरी आत्मा संतारस भरपूर, श्री जिनने नवरावता, मरा कर्म था ये चकचूर. जो भी मंदिर जाता है, जो मंदिर मार्गी यहाँ बैठे हैं, जो भी मंदिर जाता है, वो इस दोहे से बहुत वाकिफ होंगे. सबसे पहले हम परमात्मा का कलश करते हैं, राइट? देखो, कलश करने के लिए पहली शर्त रखी गई. कलश आपको दूध का और पानी का जो भी कर रहे हैं वो मटेरियल बाहर है. अंदर क्या करना है? ज्ञान कलश भरी आत्मा. अपनी आत्मा को ज्ञान के कलश के कलश से भरना है. कौन सा ज्ञान? ज्ञान ये इस वक्त न राग न द्वेष, समता रस भरपूर. आपकी आत्मा को समता के रस से भर दो. श्री जिनने नवरावता, हमारा कर्म थाए चकचूर. परमात्मा को बाहर, परमात्मा बहुत मैले हैं, उनको नहलाने की जरूरत है. नहलाना किसे है? ज्ञान के कलश को, कलश मतलब अपने आत्मा को ज्ञान से भरा, समता रस से भरा, और भीतर बैठे इस परमात्मा को जब आपने नहलाया, ओ मेरे कर्म होए चकचूर, खत्म हो जाते. चंदन पूजा के पहले बोले, शीतल गुण जे मारयो शीतल प्रभु मुकरन, आत्मा शीतल करवा भणी पूजो अरिया. परमात्मा की पूजा ना उनको खुश करने के लिए, ना ही उनको थैंक यू कहने के लिए. There was a question I was reading. So, ना ही उनको खुश करने के लिए, ना ही उनकी gratitude थी. Not even gratitude. आपको ये पूजा क्यों करनी है? क्योंकि बार बार अपने आप को याद कराना है, शीतल गुण जय मारयो शीतल प्रभु मुखरंग, आत्म शीतल करवा भणी पूजो वरिया. अपनी आत्मा को हर कषायों से मुक्त करके शांत और शीतल बनाने के लिए परमात्मा की पूजा करें. एक एक दोहे में जाऊंगी तो पूरी रात बीतेगी. आज संवत्सरी की सुबह यही हो जाएगी. मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रही हूं, बट कहने का क्या मतलब है कि हर एक क्रियाओं के पीछे भी तात्पर्य यही है, भीतर जाओ, जागो, अपनी आत्मा पे काम करो. इधर जाओ, जागो, अपनी आत्मा पे काम करो. तो शिल्पा जी, आपका जो क्वेश्चन है, सामने वाला क्या फील करता है,
बहुत बड़ा सवाल है और सच है, क्योंकि वी कीप गेटिंग इम्पैक्टेड सामने वाला, वो आगे सामने आगे पीछे हमारे जो घूमते रहते हैं, वी गेट इम्पैक्टेड, यस ट्रू. आवर लाइफ इज इंटरवोवन, यस ट्रू. बट आपको इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से एक ऐसा संबंध बनाना होगा जिसको सर्वोपरि रखना होगा, टॉप पे रखना होगा, कि मेरा संबंध इन सब से है. बट इफ आई गेट इम्पैक्टेड विथ ऑल दिस थिंग्स, मैं अपनी आत्मा के साथ का संबंध खराब कर रही हूं, क्योंकि मेरी आत्मा पे मैं अननेसेसरी कर्मरज लगाते जा रही. ये बातें बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये 100% सच बात है. लेकिन ये इसका जो भार होता है ना, वही आपसे करवाती है शुरुआत, और धीरे 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 आप इम्पैक्ट होना बंद होने लगता है, इम्पैक्ट होना बंद होने लगता है, और धीरे 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 आप स्वयं में रचने लगते हैं. इट्स अ प्रोसेस, ओके, एंड वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस दिस होल लाइफ टाइम, मे बी कमिंग फ्यू मोर लाइफ टाइम्स. दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू अचीव दैट अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू अचीव दैट एनलाइटनमेंट. But this is the way, because भीतर हो रहा है, संवर भीतर हो रहा है, निर्जरा भी आश्रव भीतर हो रहा है, तो संवर अंदर ही करना है, बंद भी अंदर हो रहा है तो निर्जरा भी अंदर करना. So let us begin now today's practical journey. आज हम भाव प्रतिक्रमण करेंगे. I will send you the link of this भाव प्रतिक्रमण also along with today's lecture का thing. I will send you the link of separately the link of भाव प्रतिक्रमण. आप जब चाहो कर सकते हो. इट्स इन अ वेरी वेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट. प्रतिक्रमण जो हम मेडिटेटिव स्टेट में कर रहे हैं, बट ये भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया का प्रतिक्रमण है. तो आपका संवत्सरी प्रतिक्रमण आपको करना ही है जो आप कर रहे हो, लेकिन ये आपको बार 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 भीतर ले जाएगा और इस सभानता में लाएगा कि आपको भीतर काम करना है. ऐसे कोई लोग हैं आपके घर में, वृद्ध हैं या कोई बीमार है, कोई ऐसे लोग हैं जो संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे, उनको ये लिंक जरूर दे ताकि वो घर में बैठे बैठे मेडिटेटिव मोड में बैठे बैठे आराम से अपने बेड पे बैठे बैठे भी प्रतिक्रमण कर पाए. ठीक है, तो ये लिंक आप जरूर भेज सकते हो ऐसे लोगों को, अगर आप चाहो तो. और आज अभी मैं आपको वही करवाने जा रही हूँ, भाव प्रतिक्रमण. चलिए तैयार हो जाए. मेरुदंड सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे, आंखों को कोमलता से बंद करें और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाए. सांस भरे, सांस छोड़े. सांस भरे, सांस छोड़े. भाव प्रतिक्रमण के लिए तैयार हो जाए. पंच परमेश्वरी परमात्माओं को वंदन करते हुए, उनकी ऊर्जाओं का आह्वान करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं. नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो अजायाण, नमो लोए सर्वसाहूण, एसो पंच नमुक्कारो, सब पाव पणासन, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्. प्रतिक्रमण छह आवश्यक की क्रिया है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिक्स एसेंशियल्स. सामायिक 24 सत्व,
आंदन वड़ेकम अवसर पच्छकान, ये छह आवश्यक हैं। पहला आवश्यक सामायिक, सामायिक हम कुछ सूत्र वगैरह बोल के बांधते हैं, वो बाह्य क्रिया है। आंतरिक तौर पर सामायिक यानी समता में स्थिर होना, अपनी आती जाती सांसों से जुड़कर, अपने भीतर उतरकर, सारी विकारों से, सारी भावनाओं से ऊपर उठकर, न राग न द्वेष, हर पल पे समता में स्थिर होना, हर पल की सच्चाई को सिर्फ जानते रहना और समता में स्थिर होना। समायक समता की प्रैक्टिस, तो सामायिक के लिए तैयार हो जाए। सांस भरे सांस छोड़े, जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान लेते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भीतर घटती है। क्या है ये घटना? ये घटना ये है कि हमारे मन में एक मिनट में जो अनेक विचार चल रहे होते हैं और बार बार अनेक भावनाओं के मौजे उछलते होते हैं, वो घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। सांसों पे ध्यान लेकर, अपनी सांसों का आवागमन देखने पर ये अपने आप नेचुरली होता है, आपकी विचारधारा कम होने लगती है। विचार कम होने के कारण उनसे जुड़ते हुए भावनाएं भी कम होने लगती है। भावनाएं जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ऐसी अनेक अनेक भावनाएं जैसे डर, चिंता, व्यथा, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार के गुनाह की भावना, कॉम्प्लेक्सेस, ये अपने आप कम होने लगते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर ले। बार बार जब सामायिक लेते हुए हम कायोत्सर्ग करते हैं, इसका यही मतलब है कि भीतर उतरो, अपने विचारों को कम करो और भावनाओं में स्थिर होते हुए समभाव में आ जाए, समभाव में आ जाए। शांत मन से, सजग मन से, समता भरे मन से, अब आपको दूसरा आवश्यक करना है, चौबीसत्थो यानी 24 तीर्थंकर परमात्मा को याद करना है, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ना है। एक के बाद एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे। आपको एक सांस भरनी है और छोड़ते हुए नाम स्मरण करना है। लंबी गहरी सांस भरे, ओम रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। पहले श्री आदिनाथ, ओम रीम अरहम श्री अजितनाथाय नमः। बीजा श्री अजितनाथ, ओम रीम अरहम श्री संभवनाथाय नमः। बीजा श्री संभवनाथ। जैसे जैसे आप नाम स्मरण कर रहे हैं,
आप चाहो तो विजुलाइज कर सकते हैं कि आप एक अरिहंत परमात्मा के समवसरण में बैठे हैं। अरिहंत परमात्मा की आभा, उनकी ऊर्जा के भीतर आपके रोम रोम में उनकी ऊर्जा का संचार हो रहा है। ओम रीम अरहम श्री अभिनंदन स्वामी नमः। चौथा श्री अभिनंदन स्वामी। ओम रीम अरहम श्री सुमति नाथाय नमः। पांचवा श्री सुमति नाथ। ओम रीम अरहम श्री पद्म प्रभ स्वामी नमः। छठा श्री पद्म प्रभ स्वामी। ओम रीम अरहम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। सातवा श्री सुपार्श्वनाथ। जैसे जैसे एक एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण हो रहा है, ब्रह्मांड से उनकी श्वेत धवल ऊर्जाएं आकर आपको नहला रही हैं। आपका रोम रोम, आपका कण कण उनकी ऊर्जाओं से भर रहा है। ओम रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी नमः। आठवा श्री चंद्र प्रभ स्वामी। ओम रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः। नौमा श्री सुविधिनाथ। ओम रीम अरहम श्री शीतल नाथाय नमः। दशमा श्री शीतलनाथ। परिहंत परमात्मा के नाम में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा है, अपने आप सहज स्वाभाविक सारे पाप स्थानक अपने भीतर एकदम शांत होने लगते हैं, वो सिर उठा ही नहीं पा रहे हैं। ओम रीम अरहम श्री श्रेयांश नाथाय नमः। ग्यारहवा श्री श्रेयांश नाथ। ओम रीम अरहम श्री वासुपूज्य स्वामी नमः। बारहवा श्री वासुपूज्य स्वामी। एक के बाद एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण आपके हृदय को आनंद से भर रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपके भीतर शक्ति की ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपका मन इतना शांत हो रहा है कि अब आपका शरीर भी लाइट फील करने लगे हैं। ओम रीम अरहम श्री विमल नाथाय नमः। तेरहवा श्री विमल नाथ। ओम रीम अरहम श्री अनंत नाथाय नमः। चौदहवा श्री अनंतनाथ। ओम रीम अरहम श्री धर्मनाथाय नमः। पंद्रहवा श्री धर्मनाथ। ये तीर्थंकर परमात्मा जिस समय भी हुए, इतनी प्रचंड शक्ति उनकी भीतर हर जीव को उतारने की, हर जीव को धर्म प्राप्त करवाने की, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस उनकी ऊर्जाएं ट्रैवल करती हैं। और जब भी उनका नाम स्मरण होता है तो ऊर्जाएं हमारी आभा मंडल में भीतर आने लगती हैं। ओम रीम अरहम श्री शांति नाथाय नमः। सोलहवा श्री शांतिनाथ। ओम रीम अरहम श्री कुंथुनाथाय नमः। सत्तरवा श्री कुंथुनाथ। ओम रीम अरहम श्री अरनाथाय नमः। अढ़ारवा श्री अरनाथ। ओम रीम अरहम श्री मल्लीनाथाय नमः। उगणीसवा श्री मल्लीनाथ। ओम
ह्रीमर्हं श्रीमुनिसुरस्वामीय नमः भीष्मा श्रीमुनिसुरस्वामी। परमात्मा की ऊर्जाओं से आपके ऐसे कर्म जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जो पिघल ही नहीं रहे थे, वो सारे पिघलने लगे हैं। कई महीनों से या सालों से आप कोई ऑब्स्टेकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हिंड्रेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारे पिघल रहे हैं। ओम रीम अरहम श्री नमीनाथाय नमः। एक विष्मा श्री नमीनाथ। ओम रीम अरहम श्री नमीनाथाय नमः भाविष्मा श्री नमीनाथ। ओम रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः देवीष्मा श्री पार्श्वनाथ। ओम रीम अरहम श्री महावीर स्वामी नमः चौबीसवा तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, जिनके शासन में हैं हम अब। विचरते हुए वीस विहरमान तीर्थंकर को नमन करते हुए ओम रीम अरहम श्री वीस विहरमान तीर्थंकराय नमः। ओम रीम अरहम श्री सीमंधर स्वामी नमः। आह्वान करें, प्रार्थना करें सीमंधर स्वामी से कि आपकी ऊर्जाएं, आपका आशीर्वाद, आपकी ज्ञान धारा हमारे तक पहुंचाएं। हम यहाँ भरत क्षेत्र में बैठे हुए आपसे उन ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं, सच्चे ज्ञान का आह्वान करते हैं। हे परमात्मा, आपकी दया दृष्टि हम पे करें और हमें ज्ञान प्रदान करें। सामायिक 24 सत्तो दो आवश्यक हमने किए, तीसरा आवश्यक बंधन। बंधन यानी परमात्मा का आह्वान करने के बाद गुरु की एनर्जी का आह्वान करना है, गुरु को हमें वंदन करना है। बाह्य रूप में जो भी हमारे गुरु है, जितने भी विचरते हुए साधु साध्वी हैं, जो भी और प्रिस्टाइन स्वरूप में गुरु है, उन सबको हमारा वंदन। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए हमको आंतरिक गुरु को जागृत करना होगा, हमारे भीतर के गुरु तत्व को जागृत करना होगा। अपने भीतर की जो दिव्य दृष्टि है उसे जागृत करना होगा, क्योंकि हमारे भीतर जाकर हमारे पापों को, हमारे कर्मों को बाह्य गुरु नहीं देख सकते, आंतरिक गुरु ही देख सकते हैं। आपका ध्यान अपने कपाल पर ले जाएं और अपने आंतरिक गुरु का जागरण और आह्वान करें। सांस भरे, सांस छोड़े और इंटेंशन क्रिएट करें कि मेरे अंतर चक्षु खुल चुके हैं। चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण। अतिक्रमण करने से पहले हमें ये तीन आवश्यक करने होते हैं, सामायिक 24 वंदन, तीन हमने किए, अब चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण। अंतर चक्षु से देखें, आपके भीतर दृष्टि करें, अपने जीवन पर दृष्टि करें और देखें कि हम कौन से कषाय सबसे ज्यादा फील करते हैं। हमारे भीतर हम बार बार जीवन जीते हुए कौन से नेगेटिव इमोशन सबसे ज्यादा फील करते हैं? क्या वो डर है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है या गुनाह की भावना है? क्या हमें बार बार करने का मन करता है, पर परिवाद,
आलभ्याख्यान, यानी किसी को ब्लेम करना, किसी को जज करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना। कौन सी एक्टिविटी में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं? प्राणातिपात मूर्छावाद, अदत्तदान मैथुन परिग्रह, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करते हैं? देखे सच्चाई को अपने भीतर और उससे हमें वापस लौटना है। संकल्प करें कि अब इन कषायों से हमें दूर हटना है। बहुत अतिक्रमण कर लिया, अब निज स्वभाव में हमें लौटना है। जब आप अपने मन से संकल्प करते हो तो आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर मन इसे रजिस्टर कर लेता है। और फिर जब आप क्रोध करते हो तो आपको याद करवाता है कि आप क्रोध नहीं करना चाह रहे। जब आप मोह माया में फंसते हो तो वो आपको याद कराता है वापस लौटना है स्वभाव में। ये संकल्प बहुत जरूरी है। शांत मन में भीतर उतर कर ये संकल्प, मुझे इन पाप स्थानकों से वापस लौटना है। पांचवा आवश्यक कायोत्सर्ग, अब बीते जी काया छोड़नी है। दोनों पैर के अंगूठे, अंगुलियां, पंचा, एड़ी छोड़े, उंगलियां छोड़े, घुटने छोड़े, जांगे छोड़े, उक्त अंगों को छोड़े, पेट छोड़े, छाती छोड़े, कांधे छोड़े, कमर के जॉइंट पर अपना ध्यान ले जाए। कमर के जॉइंट से धीरे धीरे ऊपर आते हुए कमर और पीठ छोड़ते हुए गले के जॉइंट तक आए। कंधों को छोड़ते हुए दोनों हाथ छोड़े, हथेलियां छोड़े, अंगुलियां छोड़े, अंगूठे छोड़े, गला छोड़े, सिर छोड़े, चेहरा छोड़े, पांचों इंद्रियों को छोड़े, पंचभूतों को छोड़े और अपने मूल स्वभाव पर लौट आए। बार बार अपने आप से कहें, मैं अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा हूं। ये अफर्मेशन कहे, अपने आप को बार बार याद कराए। इट्स लाइक अफर्मिंग इनसाइड, मैं अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा हूं। मैं अनंत शक्ति, अनंत वीर, अनंत धैर्यधारी आत्मा हूं। मेरे भीतर अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का प्रवाह है। मैं धैर्यवंत, वीर्यवंत, शौर्यवंत आत्मा हूं। मैं पराक्रमी आत्मा हूं। मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ को काट सकूं। मेरे अंदर अनंत शक्ति है कि मैं इस संसार सागर से तर पाऊं। मेरा मूल स्वरूप ना ये शरीर है, ना ये मन है। मेरा मूल स्वरूप अनंत सुख में, अनंत आनंद में, अनंत शक्ति में, निरंजन निराकर आत्मा। छठा आवश्यक कच्छक्खान प्रत्याख्यान,
आज अभी यहां संकल्प करे, जब मैंने ये पांच आवश्यक किए, समता में स्थिर हो गया, 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण किया, अपने बाह्य और आंतरिक गुरु का स्मरण किया, काया का उत्सर्ग किया, अतिक्रमण किया, तो अब अपने आप से प्रॉमिस करे कि पूरी सजगता से जीवन जिएंगे। जितना पाप आज तक हुआ सो हुआ, उसकी निजरा कर लेंगे, लेकिन आज से संवर पे ध्यान देंगे। जब जब आश्रव होगा संवर करेंगे, एक सी गलती बार बार नहीं करेंगे, अपनी गलतियों के गलतियों से सीख कर ऊपर उठेंगे। ज्यादा से ज्यादा गुणों का आह्वान करेंगे भीतर, उनका कल्टीवेशन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा दुर्गुण को ड्रॉप करते जाएंगे। ये छह आवश्यक करके हमने अपने आत्मा को निर्मल किया है। इस निर्मल भाव से अब सही मायने में क्षमा करे, याद करे किन किन से आपके मन मुटाव है, उन सारे लोगों को याद करे, अपने सामने लाए, विनम्र भाव से माफी मांगे और माफी दे दे, क्षमा याचना करे और क्षमा दे दे, अपने मन को साफ करे। ये आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर उपकार कर रहे हैं, अपनी आत्मा से आप बहुत बड़ा बोझ हटा रहे हैं। माफी देने से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं हो सकती अपने आप को फ्री करने के लिए, अपनी फ्रीडम हासिल करने के लिए। आपका रोम रोम इस वक्त शांत और लाइट फील कर रहा है। क्षमा देने से आपको भीतर एक शांति महसूस हो रही है। क्षमा याचना करने से आपकी गुनाह की भावना पिघल चुकी है। अंतर मारो शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम शैया अमर तपो। अंतर मारो शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम शैया अमर तपो। अंतर मारो शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम शैया अमर तपो। मेरा रोम रोम मंगल भावनाओं से भर जाए। सबका मंगल हो ऐसी कामना मेरे भीतर उतर जाए। अरिहंत परमात्मा के अभय दयानंद के आशीर्वाद सबको मिलते रहे, हर आत्मा निर्भय बन जाए और अपना मंगल साध ले। इस मंगल कामना के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले। दोबारा ऐसा करते हुए
एनर्जी को गले पर, हाथ पर, शोल्डर पर ले। दोबारा ऐसा करते हुए पूरे शरीर से बह जाने दे और धीरे धीरे आंखें खुले। I thank each one of you for this beautiful, beautiful opportunity to flow this Dharma Vani. Thank you so much. आप सब जिन्होंने ये सारा पूरी श्रृंखला अटेंड की है तो आप पूरी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि जैन होना तो सिर्फ बहुत नैरो मीनिंग से हम देख रहे थे, लोग भी बहुत नैरो मीनिंग से देखते हैं। जैन होना सिर्फ ये त्याग वो त्याग, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं होता। जैन धर्म बहुत विशाल, बहुत गहरा, सागर से गहरा, आसमान से ऊंचा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज देखिए सारी दुनिया इस नक्शे कदम पर चल रही है। अगर आप देखें कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिनिमलिज्म इतना चल रहा है आज, एंड बेस्ड फूड, वीगन फूड, ये सारी बातें जैन धर्म के जैन शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी गई हैं, हजारों साल पहले। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, समझ रही है ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो कुछ भी हो रहा है, तो हमें लौटना होगा वापस। जहां जहां हमने अतिशयोक्ति की, एक तरह का प्रतिक्रमण, सार्वजनिक प्रतिक्रमण करना होगा। जहां जहां हमने अतिक्रमण किया है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज दुनिया अपना रही है। फील प्राउड, फील जॉयस, फील ब्लेस्ड कि आपको बचपन से ही ये धर्म मार्ग मिला और उसकी गहराइयों को समझते हुए, पूरी तरह से समझते हुए, उसे पूरी तरह से चले, ऑथेंटिकली चले, इस कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। परमात्मा अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध अगर मैंने कुछ भी कहा है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म। आप सब भव्य आत्माओं को अगर मैंने किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, ये श्रृंखलाएं चलती रहेगी। एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑन 11th कल एक ब्रेक है, उसके बाद 11th को हम एक यूनिवर्सल वे में जो वर्कशॉप करती हूँ अंतर्मुख, उसका हमने एक ऐसा ही फ्री सेशन रखा है, तो आप अगर चाहो तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको भाव धर्मनु मूल में उसकी लिंक भेजूंगी। तो आज का इस सेशन की लिंक, भाव प्रतिक्रमण की लिंक और फिर अंतर्मुख की लिंक। 16 तारीख को हम अंतर्मुख की जर्नी शुरू कर रहे हैं। 9 days का ये जर्नी होती है, 9 days की, जहाँ पे हम 9 days अपने मन को हम कैसे टेम कर सकते हैं, क्लींजिंग, बैलेंसिंग और क्रिएशन के लिए हम अपने माइंड एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी, ये पूरा कोर्स है, 9 days का सेशन है वो भी। अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको भेज दी जाएगी। या सो अप टिल देन इफ यू डोंट लीव द ग्रुप इट विल बी ग्रेट, यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।